टीवी की अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली शूटिंग से ब्रेक लेकर इंदौर महाकाल के दर्शन के लिए गई हुई थी। बीती रात उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर माथे पर महादेव के नाम के तिलक के साथ देखा गया। इस मौके पर एक्ट्रेस साधारण लुक में स्पॉट हुई। उन्होंने बेज कलर का सलवार सूट पहना हुआ था और पैरों में घर वाली चप्पलें। उनके इसी साधारण लाइफ स्टाइल को फैंस काफी पसंद करते हैं। टीवी की सबसे महंगी और पॉपुलर एक्ट्रेस को इतनी साधारण जिंदगी जीते देख उनके फैंस खुश हो जाते हैं। रूपाली इन दिनों अनुपमा में चल रहे सीरियस ट्रैक की शूटिंग में बिजी हैं, जिसके बाद भी उन्होंने महाकाल के दर्शन के लिए शूट से ब्रेक लिया और फ्लाइट पकड़कर सीधे इंदौर भगवान शिव के दरबार में पहुंच गई। महाकाल के दर्शन कर रातों रात एक्ट्रेस वापस भी लौट आईं। भगवान के लिए उनकी भक्ति ही है कि वो इंदौर में लगे तिलक को उन्होंने अपने माथे से मिटने नहीं दिया। एयरपोर्ट पर भी पेपराजी के साथ महाकाल की जय जयकार की। अनुपमा इस समय टीवी का नंबर वन सीरियल बना हुआ है। कहानी में लगातार आ रहे उतार चढ़ाव और ट्विस्ट को ऑडियंस एंजॉय कर रही है। आने वाले दिनों में कहानी बदलने वाली है। दूसरी तरफ गौरव खन्ना अपने किरदार अनुज के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस अब अपने दोनों फेवरेट सितारों को एक साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मेकर्स अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ तो खास प्लान कर रहे होंगे। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।